डॉक्टर आर के मुदगिल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हमने फिर से एक सितारा खो दिया जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत है। एक ऐसा स्टार जिसको बहुत सारी मूवी में हमने देखा बेहतरीन अभिनय करते हुए। उनकी बहुत सारी मूवी जिनमें से MS धोनी, काईपोचे और भी अन्य बहुत सारी मूवी हैं जिनमें उनका रोल बेहतरीन रहा, दमदार रहा, और सभी ने अमूमन उनके अभिनय को सराहा भी। लेकिन आज किन्हीं कारणों से एक सूचना जो हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से हमें मिल रही है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जब हम ये बात करते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया और वो भी एक इतने बड़े स्टार ने, तो क्या बात सिर्फ इतनी ही होती है या उसके पीछे का सच कुछ और भी होता है? जी हाँ, उसके पीछे का सच डेफिनेटली बहुत कुछ होता है। और जब इस चकाचौंध से घिरा हुआ व्यक्ति जिसके सोशल मीडिया में ढेरों लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों फैंस हैं, कैरियर के पीक पर है, पूरी तरह से स्टेबल है, ऐसे में जब कोई ऐसा कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण अमूमन जब भी कभी कोई सुसाइड होती है उसके पीछे जो कारण निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है। और शायद ये एक ऐसा मनोरोग है जो बहुत सारी प्रतिभाओं को लील देता है, उनको ख़त्म कर देता है। आज तक भी कोई मुख्य वजह ये नहीं पता चल पाई, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हूँ और वहाँ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो जब हम डिप्रेशन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ऐसा मनोरोग है, एक ऐसी समस्या है जिसके कारणों का, अभी तक उपयुक्त कारणों का किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर किसी को हो जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हताश और निराश समझने लगता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसका सब कुछ उससे छूटता जा रहा है। और कभी ना कभी लाइफ में हम सबको भी ये लगता है दोस्तों। अमूमन जो मेरे YouTube वीडियो होते हैं वो या तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड होते हैं या किसी भी ऑर्थोन्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आज ही मैंने विचार किया था सुबह ही कि आगे से कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वीडियो भी हम रखेंगे जिंदा दिली के नाम से, लोगों को बताएंगे कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। लेकिन वो बात शायद अभी सिर्फ मन में ही थी और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, एक चिंतनीय विषय है हम सब के लिए। हम लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर तो एक बहुत लंबा चौड़ा परिवार बढ़ा लिया, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से हम लोग जुड़ गए, लेकिन शायद हम अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जब तक हम अपने आप से, अपने अपनों से नहीं जुड़ पाएंगे, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और ये एक छोटी बात नहीं, एक गंभीर विषय है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उनकी लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो उनके शब्द थे वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो निराश थे, कहीं ना कहीं वो हताश थे। कारण कुछ भी रहा हो सकता है, लेकिन जब भी आप इसके मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस चकाचौंध से परेशान होकर, उस भीड़ से परेशान होकर शायद कोई अपने आप को खोजने की कोशिश करता है। और जब वो खुद को नहीं खोज पाता तो शायद इस तरह के कोई गलत रास्ते खोज लेता है। तो दोस्तों, ये लॉस हम सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उस परिवार का लॉस है। आज का जो तनाव भरा माहौल, वो स्टार हैं इसलिए शायद मीडिया में इस बात पर चर्चा होगी, लेकिन बहुत से लोग, हमारे ही अपने लोग, हमारे बीच से सोसाइटी के बहुत सारे लोग अमूमन इस तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं, सुसाइड तक के बड़े कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से
मैं आप तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोगों से जुड़ें, लोगों से बातें करें, सोशल मीडिया पर जुड़ें, अच्छी बात है, कम्युनिटी को बड़ा करें, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जो आपके आसपास हैं उनसे भी जुड़ें। और जब भी कभी सोशल मीडिया पर ही आपको लगता है कि आपके साथी की किसी भी पोस्ट में कुछ इस तरह की बातें आपको लग रही हैं जिसमें वो निराशा झलक रही है, तो आप उसे पढ़कर इग्नोर ना करें, सिर्फ लाइक ना करें, उस दोस्त को पर्सनली कॉल करके पूछें कि ये पोस्ट आपने जो डाली है इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि अमूमन जो डिप्रेशन में शख्स चले जाते हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि वो अपने आप को हताश समझते हैं, निराश समझते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अकेलापन उनको ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, बातें कम करते हैं, अपनी चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर वो इमोशनली वीक हो चुके होते हैं। लेकिन जब आप प्यार से उनके पास बैठकर उनसे बातें करना शुरू करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो आपको अपनी सारी बातें दिल खोल कर बताएंगे भी। और अगर हम कोई एक भी ज़िंदगी इस तरह की काउंसलिंग से बचा पाए, लोगों से जुड़ पाए, तो शायद हमारी ज़िंदगी भी सार्थक होगी, क्योंकि बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी, जैसा मैंने कहा, आज सुबह सोच ही रहा था कि ये दुखद हादसा हुआ, आगे मैंने भी अब ये निश्चय किया है कि हर रविवार को या एक रविवार छोड़ के जब भी हमें मौका लगेगा इस मंच के माध्यम से हम बातें करेंगे, सिर्फ अपनी बातें करेंगे, अपने घर की बातें करेंगे, अपनों की बातें करेंगे। जो आपको महसूस होता है वो मैं जानना चाहता हूँ, जो मुझे महसूस होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय सच में विकट है, सबके लिए विकट है। कोरोना काल चल रहा है, हम सब कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के बैंक के कर्जे उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगियां छोड़ दें, जीना छोड़ दें? कोई भी दर्द जीवन से बड़ा नहीं होता, जिंदगी अनमोल है दोस्तों, ये यूं ही नहीं मिलती, और इस तरीके से इसको ख़त्म कर देना तो कहीं भी जायज़ नहीं है। क्योंकि जिंदगी जो आत्महत्या करता है ना, आत्महत्या लोग तो बोलते हैं कि शायद कायर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उसके लिए भी बड़ी हिम्मत लगती है। तो वो जो हिम्मत कोई भी शख्स आत्महत्या के लिए जुटाता है, अगर वो जिंदगी के लिए जुटा ले तो वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन शायद क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति उस वक्त उसको ये सब करने नहीं देती, ये सब सोचने नहीं देती, उसको रास्ता नज़र नहीं आता, उसको अपना लगता है कि मैं समाज अपनी परेशानियों के बीच घिर चुका हूँ, और शायद इसलिए वो ऐसे गलत कदम उठा लेता है। और शायद इस केस में भी जब तहकीकात होगी तो इस तरह की बातें निकल कर आएंगी, लेकिन हम तमाम लोगों को यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का जो एक फेक वर्ल्ड हमने क्रिएट कर लिया अपने चारों तरफ, सिर्फ उसमें ही नहीं उलझ कर रहना है, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं, क्या उनको कोई परेशानी तो नहीं, अपनी बातें साझा कीजिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप मुझे बताएं, मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी तरीके से आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, जब हम एक दूसरे से बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के विचार रखेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को हम पब्लिक के बीच रखेंगे, क्या पता कोई पब्लिक से उसमें आपकी मदद करने के लिए सामने आए, क्या पता मैं उसके लिए कैपेबल हूँ, मैं मदद कर पाऊँ, तो इस तरह की तमाम चीज़ें करेंगे। और इस तरह का कोई गलत स्टेप अपने आप में, जब परमात्मा ने आपको जीवन दिया है तो लेने का हक भी उस परमात्मा तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय उसमें हम अपने इंटरफेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी दुखद घटना है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना से हम लोग कुछ सीखें, लोगों से जुड़ें, लोगों से बात करें, अपने विचार रखें, सही या गलत ये मत सोचिए कि आप जो बोलेंगे लोग कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। बेवकूफ़ियों के भी अपने ही मज़े हैं, बेवकूफ़ियों की भी अपनी ही बातें हैं, आप कीजिए, आप बेवकूफ़ियाँ कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अगर वो बेवकूफ़ियाँ करके बच सकती है तो उसे बचा लीजिए। और तमाम मेरे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा आसपास कुछ भी नज़र आए तो उससे जुड़िए, उसकी बातें सुनिए,
और जाहिर सी बात है वो अपनी बातों में आपको अपनी प्रॉब्लम भी बताएगा, अलार्मिंग साइन भी आपको शो करेगा। बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, बट बीइंग ए सोशल पर्सन भी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जब समाज में बड़े बुजुर्गों में जब वो बैठेंगे बातें करेंगे तो वहाँ से पता चलता है। आज का प्रॉब्लम यही है कि परिवार न्यूक्लियर हो चुके हैं, परिवार एक एक दो दो सदस्यों में बट चुके हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं खासकर बड़े स्टार के केस में जो होता है कि वो स्टार फील होता है और मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर किसी को पता चलेगा कि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर किसी को पता चला कि मेरी नौकरी चली गई तो लोग क्या कहेंगे। अरे सच में लोग कुछ नहीं कहते, और कहेंगे तो उन्हें कहने दीजिए, आप उनकी परवाह न कीजिए। लोगों का काम कहना है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कहेंगे कि जिससे आपकी जान चली जाए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि अपने आसपास के लोगों को संभालिए, उन्हें सहारा दीजिए। ये कठिन समय है, सच में ये कठिन समय है बहुत से लोगों के लिए। तमाम लोगों से जुड़ के चलिए, बात कीजिए, लेकिन ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग दें, आप दें, अगर आप नहीं दे सकते तो किसी प्रोफेशनल की मदद लें, लेकिन ऐसे लोगों से जुड़ें ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। ज़िंदगी अनमोल है दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, और कोशिश रहेगी कि हम निरंतर इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, कुछ अपने दिल की बातें भी आप लोगों से साझा करेंगे, और कुछ आपके दिल की बातें भी हम ज़रूर सुनेंगे। जय हिंद।